वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि गाइस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आज टिप्स के साथ कुछ गलतियां भी बताऊंगा जो कॉमनली प्लेयर्स करते हैं, तो बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगी आपके लिए। तो सबसे पहले ट्रिक है गाइस, डू क्राउच बिफोर मेकिंग ग्लो वॉल। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिलता है। हमें इसमें क्या करना है, बस जैसे हम नॉर्मली जैसे ग्लो वॉल बनाते हैं, अब हमें पहले क्राउच होना है, उसके बाद ग्लो वॉल को वहाँ पर बनाना है। उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें कवर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। आपको मैं करके दिखाता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ आपको। देखो एक ग्लोबल हम नॉर्मल ऐसे लगाते हैं, लेकिन अगर हम बैठ के लगाएंगे ग्लोबल तो आप अभी डिफरेंस देख सकते हैं गाइस, कितने गैपिंग है इनके बीच में। तो जब हम बैठ के ग्लोबल लगाते हैं तो हमारे क्लोज रेंज फाइट्स में बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज मिलता है गाइस। हमें ज़्यादा कवर हो जाता है, साइड से भी हम बच पाते हैं, लेफ्ट और राइट साइड से भी बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो यार कवर ज़्यादा मिल जाता है ओवरऑल। तो हमेशा ऐसे ही ट्राई करना है कि आपकी जो ग्लोबल हो वो बैठ कर आप लगाएं, तो आपको एडवांटेजेस का मिलेगा। अब बात करते हैं गाइस टिप नंबर टू की, ट्राई टू इंक्रीज योर मूवमेंट स्पीड इन क्लोज एंड फाइट्स। हमको अपनी क्लोज एंड फाइट में स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत होती है गाइस। अगर आपको नहीं पता कि हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैंने इस पर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी मूवमेंट स्पीड बढ़ाने में। वहाँ पर मैंने सारे ट्यूटोरियल करके दिखाया और कुछ ड्रिल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बस एक बेसिक बताऊंगा कॉन्सेप्ट और क्या गलती करते हैं वो बताऊंगा। गाइस आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं जैसे किसी बंदे को मार रहा हूँ, स्प्रे देने के बाद या उसको नॉक करने के बाद, मैं जब भाग रहा हूँ तो हाथ में वेपन मेरी नहीं है, मैं नॉर्मल भाग रहा हूँ स्प्रिंट। अगर मैं वेपन लेकर भागूंगा तो मेरी स्पीड स्लो होगी, और ये देखो एक करा वाला करेक्टर है, अगर मैं वेपन लेकर भागूंगा तो मुझे आराम से डाउन कर सकता है, बट मैं वेपन छोड़ के भाग रहा हूँ तो वो मेरे को टच भी नहीं कर पा रहा है। इसका ये एडवांटेज होता है गाइस। ये वाली क्लिप में आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने क्या करा है। मैंने बंदा देखा, शूट करा, वो बंदा रेंज से बाहर निकला, तो फिर मैं कैसे भाग रहा हूँ, वेपन मेरे पीछे है, मैं खाली हाथ भाग रहा हूँ। मैं बस कॉर्नर में चेक कर रहा हूँ कि बंदा का रेंज में मिल जाए तो ठीक है, बट यहाँ पे मेरे रेंज में नहीं आया वो। अब यहाँ से देखेगा तो मैं उसको शूट करूँगा, वो फिर से बच गया, तो अब मैं जिसको पीछे करूँगा गाइस खाली हाथ करूँगा। अब बंदे क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, कि जब किसी बंदे को फॉलो करते हैं क्लोजिंग साइड में हाथ में वेपन लेके भागते रहते हैं, तो यार वैसा मत करा करो, जहाँ पे बंदा है वहीं पे आप अपनी वेपन बाहर निकालो। अच्छा ये टिप बहुत मेन है वैसे, क्योंकि अब ज़्यादातर प्लेयर्स ये सोचते हैं यार कि हम अपनी रैंक बढ़ाते हैं, यार मैं हीरोइक जाऊंगा तो मैं प्रो बन जाऊंगा। भाई ऐसा कुछ ही नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले आपको फोकस करना है अपनी स्किल्स पे, सबसे ज़रूरी होती है गाइज हमारी स्किल्स इंक्रीज़ करना। अगर आप जिस दिन आपके अंदर एक प्रो स्किल्स आ जाएगी ना गाइज, जिस दिन आप गेम खेलना सीख जाएंगे अच्छे से, तो उस दिन आपको हीरोइक पहुँचना, ग्रैंड मास्टर पहुँचना मजाक होगा भाई, मजाक होगा, हर कोई पहुँच सकता है। यही रीज़न होता है गाइस कि प्लेयर्स एक एक दिन के अंदर ग्रैंड मास्टर टॉप वन पहुँच जाते हैं, हीरो पहुँच जाते हैं गाइस, उनका यही रीज़न होता है। इसलिए आप पहले अपने गेम पे फोकस करो, अपना गेम इंक्रीज करने की कोशिश करो, उसके बाद रैंक यार ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब इसकी आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल सकते हैं, और चाहे तो अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड हार्ड लग रहा है तो सोलो वर्सेस डुओ खेल सकते हैं, तो उससे कई ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस मिलता है गाइस। तो हमेशा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो रैंक में, और सोलो वर्सेस डुओ खेलो, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे टिप नंबर फोर भी इसी के रिलेटेड है, ट्राई टू मेंटेन योर रैंक ऑल्सो। इसमें हमें बस अपनी रैंक मेंटेन करनी है प्लेटिनियम 3 से लेके डायमंड 3 के बीच में, क्योंकि देखो आप जब सोलो स्क्वाड खेलोगे तो आपकी रैंक डेफिनेटली माइनस होगी, और बंदे पता चल रहा है कि वहाँ पे गोल्ड में बैठे हुए हैं, सबको अपनी रैंक माइनस करवा के कह रहे लो भाई हमने 20 बंदे मार दिए, 22 बंदे मार दिए, हम प्रो बन गए। भाई ऐसा नहीं है, अपनी रैंक थोड़ी हाई भी मेंटेन रखना, क्योंकि जब आप प्रो प्लेयर्स के साथ खेलोगे तो ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी आपको आइडियाज आएगा कि हाँ भाई ऐसे खेलते हैं, ये चीज़ सही है। तो इसलिए हमेशा अपनी रैंक भी मेंटेन करो, अगर ज़्यादा माइनस हो जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, फिर से रैंक इंक्रीज़ करो, और आराम से फिर अपना सोलो से प्रैक्टिस करो। अब टिप नंबर 5 की बात करते हैं। ये वाली टिप में गाइस हमको पता होना चाहिए कि हम लैंडिंग कैसे करेंगे। प्रॉपर लैंडिंग मतलब कि आपको सबसे पहले कूदना है, आपको लेट नहीं होनी है, इंटरसन जगह नहीं कूदना है, एकदम परफेक्ट अपनी टीम को भी कूदाना है, तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस ही पता चलेगी। ये वैसे पता नहीं चलती है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि आपको कुछ इस तरह से कूदना है, आपका जो प्लेयर है वो ऑटोमेटिकली अपना पैराशूट खोले, आपको मैन्युअली कुछ ना करना पड़े, तो आपके वहाँ पे ऑटोमेटिकली लैंडिंग अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत बंदे को लैंडिंग करनी नहीं आती है, यानी कि वो गलत जगह कूद जाते हैं। गलत जगह जैसे कि, चलो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, जैसे मानो ये ब्रोकन हाउस है, पॉपुलर है बहुत पीक का, तो बहुत से बंदे क्या करते हैं इसके छत में कूदते हैं, या फिर ये जो जहाँ पे इसका छेद टाइप का है वहाँ पे, वहाँ से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। यार वो उसमें मत जाओ, क्योंकि कभी बार कैरेक्टर अटक भी जाता है, तो यहाँ पे गाइस क्या होता है हमें लेट हो जाती है बहुत बार। बंदे नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर में उतरते हैं तो हमको उनको पहले ही वेपन मिल जाता है,
इसलिए हमेशा सही तरीका क्या है इसके जाने का, आप यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कूद सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट तरीका ब्रोकन हाउस में घुसने का ये वाली साइड से है। यहाँ से देखो पूरा कवर है आगे का, अगर आप छत में कूदते हो तो और जगह से भी हमें गोलियां पड़ने के बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है कि बहुत से बंदे क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कहते हैं ना भाई हम जाएंगे, हमको रैंक की तो पड़ी नहीं रहती, वो भसड़ मच जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो एक क्लॉक टावर का पॉपुलर हाउस है, ब्लैक हाउस, यहाँ पे मोस्टली सब कूदते हैं, आपको यहाँ पे नहीं जाना है। इसका ये होता है देखो, मान लो वहाँ पे 4 स्क्वाड जा रही है, फिर भी बंदे बस घुसे ही जाते हैं, कहते हैं ना हम तो भाई मारेंगे वहीं जाके, वो प्रो स्किल्स नहीं दिखाने गए हमें वहाँ पे। तो वो क्या होगा कि वहाँ पे कोई कंफर्म नहीं किया तुम्हारी टीम को वेपन मिले ना मिले, तो कई लोग वैसे ही मर जाते हैं। तो उससे मैंने सोचा कि आप थोड़ा नीचे कूदें और अपने वेपन वगैरह लें और उसके बाद फाइट लें। अगली टिप जो कि बहुत मेन और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रो प्लेयर्स को ये चीज़ें पता होती है। एक एक बात ध्यान में रखो कि हमेशा आपको वही गन्स यूज़ करनी है जिसका रेट ऑफ फायर ज़्यादा होता है या फिर जिसकी रेंज ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो हमारे ड्रैग शॉट्स हैं वो बहुत इजीली लगते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपका जो बेस्ट वेपन होना चाहिए वो वही होना चाहिए जिसमें आप फायर रेट जिसका अच्छा हो, जिसकी रेंज ज़्यादा हो। तो आप हल्का से पर ड्रैग करते हो बहुत प्यार, बहुत ही प्यारे से यार, बहुत ही आराम से लग जाता है उसमें हेड शॉट। तो हमेशा आपको वही वेपन को सेलेक्ट करना है जिसमें रेट ऑफ फायर ज़्यादा हो, जैसे कि आप P90 की ये वाली स्किन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आप XM8 यूज़ कर सकते हैं, और उसकी एक स्किन तो फ्री में मिली थी, वो स्किन तो इतनी गजब है कि डबल रेट ऑफ फायर है, सबसे फास्ट क्यूपिड स्कार से भी फास्ट उसका फायर रेट है। तो उस टाइप की आपको अपनी गन्स यूज़ करनी है, तो आप फिर खुद अपने अंदर चेंजेस देखेंगे, यार वाह आज तो मुझे ये बात भी नहीं पता थी। अब क्या है कि बहुत से बंदे डैमेज की ओर फोकस करते हैं, बट डैमेज से ज़्यादा यूज़फुल रेट ऑफ फायर वाली गन्स होती है, तो इसलिए रेट ऑफ फायर वाली गन्स ही सिलेक्ट करो। अगली टिप है ऑलवेज प्ले स्मार्ट नॉट एग्रेसिव, यानी कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, आपको दिमाग से भी खेलना है गेम, सिर्फ एक ही फ्लो में नहीं घुसे जाना है। लाइक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, ये दो बंदे ऊपर है, मैं यहाँ पे नीचे हूँ, तो अभी मैं डायरेक्ट रश नहीं करूँगा, भले ही मेरे पास शॉटगन हो और वो बंदे उतने अच्छे भी नहीं लग रहे इस वक्त, लो लेवल के लग रहे हैं, बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लूँगा, दिमाग से खेलने की कोशिश करनी गाइस, हैव पेशेंस। अभी पहले मैं उनको ट्राई करूँगा नीचे लाने की ताकि मैं उनको ड्रैग मार पाऊँ। देखो मैंने वेट किया, वो नहीं आए, वो भी वेट कर रहे हैं मेरा। एक सिंगल शॉट में दूंगा, वो फिर भी नीचे नहीं आए। अब मैं यहाँ पे अपना ग्रेनेड यूज़ करूँगा बाहर से जाके, देखो बंदे नहीं आए, अब मैं बाहर जाऊँगा और ग्रेनेड यूज़ करूँगा। एक ग्रेनेड मैंने फेंका और अब वो बंदा डैमेज हो जाएगा या फिर नॉक हो जाएगा। ये देखो नॉक हो गया, दूसरा वाला डैमेज है, उसको आराम से मैं दूसरे वाले को मार सकता हूँ। एम नॉक हुआ डेड वाले पे, अब मैं आराम से कवर लूँगा गाइस। देखो एकदम बिल्कुल भसड़ नहीं मचानी, फिर कुछ नहीं जाना है, आराम से कवर लो और सोच के खेलो हमेशा दिमाग से, तो 100% आपकी क्लोजन फाइट में आप ज़्यादा आपके चांसेस यही होंगे कि आप जीतेंगे। एक और सिंपल सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं AWM का। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये एक स्क्वाड है मेरी टीम से, वो फाइट ले रही है, ये बंदे को मैंने डाउन किया AWM से, अब इसका बंदा इसको रिवाइव करने आएगा। अब देखो गाइस यहाँ पे मोस्टली बंदे क्या गलती करते हैं, ये बंदा आया मैंने डैमेज दिया, अब वो क्या करते हैं सीधे घुस जाते हैं, कहते हैं वो तो डैमेज है, एक नॉक है, मैं सीधे घुस जाता हूँ और मेरे पास शॉटगन में मार दूंगा। भाई ये भी गलती है, हमेशा बैग में ग्रेनेड्स का यूज़ करने के लिए हमेशा बैग में ग्रेनेड होनी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि भाई बैग फुल हो जाता है इससे, वो ग्रेनेड रखते ही नहीं है, लेकिन ग्रेनेड रखो यार, बहुत कम आते हैं गाइस। अब याली टिप में ध्यान दो, ये वाली मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग। अब बंदे क्या करते हैं, एक जगह बस खड़े रहते हैं और मारते हैं, खासकर ड्रैग मारने के चक्कर में। अभी इस बंदे को देखो, वो मेरी ग्लोबल को तोड़ने में मस्त है एकदम, एक जगह खड़े होकर बस स्प्रे दिया जा रहा है, और तब तक मैंने इसको आराम से हेडशॉट भी दे दिया AWM से। बट अगर ये मूवमेंट करता तो इसको मैं हेडशॉट नहीं दे पाता, ना ही कोई मेरे पास एयर गन होती तो मैं ना उसको ड्रैग शॉट से हेडशॉट दे पाता। तो भले ही उसने ग्लोबॉल तोड़ने का सही तरीका क्या था वहाँ पे, वो थोड़े मुझे स्प्रे देता 10 गोली के बीच, 5 से 10, अपना फिर अंदर कवर में जाता, फिर बाहर आता और उसके बाद फिर ग्लोबॉल तोड़ता। तो गाइस ये है सही तरीका हमारा, मतलब मेन में ये करना है कि हमारा मूवमेंट बने रहना चाहिए। एक जगह खड़े रहोगे तो यार आजकल सबको पता है सभी ड्रैग मार लेते हैं, हेडशॉट लग जाता है थोड़ी सी गलती में, और तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, हमेशा मूवमेंट बनाए रखना। भले वो ग्लोबल तोड़ना हो या किसी बंदे को आप मार रहे हैं तो पहले थोड़ा सा ड्रैग करो, ड्रैग अगर फेल हो गया थोड़ा सा फिर मूवमेंट करो, फिर उसके बाद अपना आगे वो प्रोसेस जारी रखो। एक और छोटी क्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना गाइस कि बंदे क्या मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहली गलती वो देखो, एक जगह आराम से बैठ के मस्त से लूटने में लगा हुआ, मैंने उसको आराम से हेडशॉट दे दिया। बल्कि मैंने अपनी से पहले एक वीडियो पे बताया था कि हमेशा अपनी मूवमेंट जारी रखना है, यानी कि गोल गोल घूमते घूमते आपको लूट करनी है, तो मैं उसको हेडशॉट नहीं मार पाता यहाँ पे अगर वो उसको फॉलो करता तो। बट क्या करें, आप तो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसलिए आप लोग ये गलती मत करना।
अगली गलती देखो इसका बंदा क्या मिस्टेक करता है। वो बंदा अच्छा खासा कवर में था, बट फिर भी उसने सोचा कि ग्लो वॉल यार खत्म हो जाएगी, इसका टाइम खत्म हो जाएगा, मैं पेड़ में जाता हूँ। पेड़ उतना छोटा है भाई, कहाँ से बच पाएगा यार वो, तो वो भी डाउन हो गया। तो ऐसी गलती मत करो। अभी इसको मैंने जब मरने के बाद इसका बैग खोला था, तो उसके पास ग्लो वॉल भी थी, उसने ग्लो वॉल यूज ही नहीं करी। उसने सोचा यार ग्लो वॉल बचा लेता हूँ, बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ भी नहीं बचा पाए। तो ऐसी गलती मत करो, अगर ग्लो वॉल है आराम से कवर बनाओ और उसका यूज़ करो, और जब ग्लो वॉल ख़त्म हो जाता है इन केस उस पे आपको अपना परमानेंट कवर ढूंढना, जैसे कि पत्थर हो गया, पेड़ हो गया। अब अगली टिप जितनी कॉमन दिख रही है ना गाइज, उतनी इफेक्टिव भी है। बहुत लोग यार एयरफोन यूज़ नहीं करते, मैंने बहुत बार बताया भी है। अब इसी भाई को देख लो, लगा पड़ा है गोली मारने में, उसको पता ही नहीं है बंदा पीछे आ गया। मैंने तो वेपन स्विच करा तब भी उसको पता नहीं चला, शायद तब पता चला होगा जब मैंने उसको मारा, अरे ये कहाँ से टपका। तो ऐसी गलती मत करा करो। एक और क्लिप मेरे पास है, मैं अगला स्क्वाड खेल रहा था, देखो मुझे पहले ही पता चल गया कोई इस कमरे में आ रहा है, मैंने कवर लिया सोफे के पीछे, उसने मुझे डैमेज दिया, फिर मैंने उसको डाउन किया। अब इसको फ्रेंड को देखना वो क्या कर रहा था, वो देखो गाइस, जब तक मैंने उसको मतलब जब मैंने उसको डाउन किया तब जाके उसको पता चला अरे ये कहाँ से टपका। अगर उसने ईयरफोन पहना होता उसे पहले ही पता चल जाता यार यहाँ से कोई आ रहा है, वो पहले ग्लोबल बना लेता। तो ऐसी गलती मत करो यार, ईयरफोन यूज़ करो, अगर नहीं है तो खरीदो और यूज़ करो यार, गेम अपना भी इंप्रूव हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ऐसा लगा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो यार आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आप चाहते हैं मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं और ऐसी ऑसम वीडियोस आपके लिए और बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता भी हूं और मैं वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा।